हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2017 टीयर वन का SAT 35, और ये पेपर हुआ था 21/8/2017 को। तो चलिए देखते हैं इन रियल क्वेश्चंस को। देखिए, एक ये स्पॉटिंग रंग का क्वेश्चन है। अ स्लो स्माइल वर्कड इट्स वे क्रॉस हिज फेस एंड इनटू हिज आईज। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन लिया है, ये लिटरेचर का एक्चुअली सेंटेंस है, और लिटरेचर में इस तरह के सेंटेंसेस यूज होते हैं कि यहाँ पर स्लो स्माइल की एक बात हो रही है, और उसके चेहरे पर जो स्लो स्माइल आई है, वो उसके चेहरे पर फैल गई। अ स्लो स्माइल वर्क इट्स वे क्रॉस हिज फेस। अब यहाँ पर इस वर्ड को देखिए, यहाँ पर ये लिखा है क्रॉस। क्रॉस होता है एक वर्ब, लेकिन यहाँ पर आपको क्या चाहिए? यहाँ पर चाहिए प्रपोजिशन, क्योंकि यहाँ पर आप ये बोल रहे हैं कि उसकी जो स्माइल है वो उसके पूरे चेहरे पर फैल गई। अ स्लो स्माइल वर्क इट्स वे, वर्क इट्स वे, एक्चुअली सही फ्रेज क्या होना चाहिए? अक्रॉस हिज फेस, ठीक है, उसके फेस के आसपास, उसके फेस पर फैल गई। तो यहाँ पर क्रॉस ना आते हुए यहाँ पर हम बोलेंगे अक्रॉस हिज फेस, पूरे फेस पर। तो इसमें बी जो है वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिज एक्सप्रेशन गेव नो क्लू ऑफ व्हाट वॉज गोइंग ऑन अमंग हिज हेड। देखिए, अमंग का प्रयोग करते हैं हम दो से ज़्यादा किसी भी व्यक्ति या वस्तु के लिए, दो से ज़्यादा के लिए, लेकिन यहाँ पर तो कोई व्यक्ति या वस्तु है ही नहीं। यहाँ पर तो हम ये बात कर रहे हैं कि उसके माइंड में क्या था। हिज एक्सप्रेशन गेव नो क्लू ऑफ व्हाट वॉज गोइंग ऑन हिज हेड, मतलब उसके दिमाग में क्या चल रहा था इस बात का उसके एक्सप्रेशन से कोई क्लू नहीं मिल रहा था। हिज एक्सप्रेशन गेव नो क्लू, उसके एक्सप्रेशन से कोई भी क्लू, कोई भी इशारा, कोई भी संकेत नहीं मिल पा रहा था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। दिमाग में कोई भी चीज़ होने के लिए उसको हम बोलते हैं ऑन हेड या ऑन माइंड। वट इज ऑन योर माइंड, ठीक है। तो यहाँ पर ये अमंग जो है, ये एक्स्ट्रा है, ये गलत है। तो इसमें सही आंसर होगा आपका सी। फिलहाल के क्वेश्चंस देखते हैं। आफ्टर बीइंग गिवन वार्निंग्स फॉर डिसरप्टिंग क्लास, थॉमस वॉज फाइनली सेंट टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस। देखिए, क्लास में किसी बच्चे को प्रिंसिपल के ऑफिस में कब भेजा जाता है? जब वो क्लास को डिस्टर्ब करता है या डिसरप्ट करता है, उसको 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 वहाँ पर मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए आपका? यहाँ पर क्या वर्ड होना चाहिए? आफ्टर बीइंग गिवन वार्निंग्स, उसको वार्निंग्स दी गई, चेतावनी दी गई, और वो चेतावनी कैसी थी वो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। तो चेतावनी जो दी गई वो सिंगुलर थी, लोन थी, न्यूमरस थी, यूनिक थी। किसी भी बच्चे को हम क्लास में, प्रिंसिपल्स ऑफिस में तब भेजते हैं जब वो काफ़ी बार उसकी शिकायत आती है या कंप्लेंट आती है। तो आफ्टर बीइंग गिवन न्यूमरस वार्निंग्स, काफ़ी सारी वार्निंग्स देने के बाद उसको प्रिंसिपल ऑफिस में भेजा गया। सिंगुलर होता है, जैसे एक बचन, बहुवचन होता है, वर्ब होती है, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब एक से रिलेटेड है, सिंगल सिंगुलर का मतलब। लोन क्या है? लोन एक्चुअली एक एडजेक्टिव है। लोन और लोनली दोनों ही एडजेक्टिव हैं, ठीक है। लोन का मतलब होता है, लोन एक्चुअली इमोशन से जुड़े हुए हैं। तो लोन का मतलब है कि आप इसलिए उदास हैं, यदि कोई व्यक्ति लोन है या लोनली है तो इसलिए उदास है क्योंकि उसके पास कोई कोई कंपनी देने के लिए नहीं है, कोई बात करने के लिए नहीं है। जैसे लोन पर्सन, लोन ड्रंकर हम बोल सकते हैं, लोनली ओल्ड पीपल बोल सकते हैं। तो लोन और लोनली दोनों ही एडजेक्टिव हैं और इमोशन से ये रिलेटेड हैं। अलोन का मतलब होता है अकेला, ठीक है। तो लोन और अलोन में ये अंतर है कि अलोन एक्चुअली पॉजिटिव सेंस में एक वर्ड है, जैसे आई एम लिविंग अलोन, मैं अकेला रहता हूँ, लेकिन ये इमोशन से कनेक्टेड नहीं है। लोन और लोनली सैडनेस से रिलेटेड हैं, इमोशन से रिलेटेड हैं। इसके अलावा अलोन जो है ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है, ये वर्ब के बाद आता है। लोन और लोनली वर्ब से पहले आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे लोनली ये ड्रिंकर से पहले आया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओल्ड पीपल से पहले आया है, लेकिन अलोन सेंटेंस के एंड में आता है वर्ब के बाद, वो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। तो ये इसमें अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्रिटी अगली इम्प्लाइज दैट ए पर्सन कैन बी बोथ अट्रैक्टिव एंड अनअट्रैक्टिव एट द सेम टाइम। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा लिटरेचर की आपको नॉलेज चाहिए। प्रिटी अगली, देखिए अगली एक नेगेटिव वर्ड है, प्रिटी एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक
ठीक है, दोनों वर्ड्स को जोड़ दिया है। तो इस तरह के जो एक्सप्रेशंस होते हैं उसको हम लिटरेचर में बोलते हैं ऑक्सीमोरॉन। जैसे जैसे हिंदी में मैं बताता हूँ आपको, जैसे यदि आप बोलते हैं पापी देवता, तो एक तरफ आप पापी बोल रहे हैं, एक तरफ आप देवता बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ऑक्सीमोरॉन होता है, जिसमें एक पॉजिटिव वर्ड और एक नेगेटिव वर्ड को आप जोड़ के उसको एक्सप्रेस करते हैं। इन सारी डिवाइसेस का प्रयोग लिटरेचर में होता है, पोएम्स में होता है, ताकि उसको हम इफेक्टिव बना सकें, उसको थोड़ा सा ड्रामेटिक टच उसमें दे सकें। तो ये सारी एक्चुअली क्या हैं, ये लिटरेचर से रिलेटेड डिवाइसेस हैं, फिगर ऑफ स्पीच इनको हम बोलते हैं। जैसे सिंबली में क्या होता है कि किसी एक चीज़ को हम कंपेयर करते हैं लाइक और एज के द्वारा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, लाइफ इज लाइक ए बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, तो ये क्या है, ये सिंबली है। सिंबली में हम लाइक या एज का प्रयोग करते हैं, मेटाफोर में हम डायरेक्टली उस वर्ड को कंपेयर कर देते हैं। जैसे लव इज ए बैटल फील्ड, ये मेटाफोर है। एलिटरेशन में हम कुछ कॉन्सोनेंट साउंड्स को रिपीट करते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। तो इस तरीके से ये होता है एलिटरेशन। ऑक्सीमोरॉन में दो नेगेटिव वर्ड्स को, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वर्ड को हम साथ में जोड़ देते हैं, वो होता है ऑक्सीमोरॉन। सिंबली और मेटाफोर में हम कंपेयर करते हैं, सिंबली में हम लाइक और एज वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सिंबली मेटाफोर अलिटरेशन ये सारे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑक्सीमोरॉन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिनिसिज्म का सिनोनिम आपको बताना है। सिनिसिज्म क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी धारणा जिसमें एक व्यक्ति सारी चीज़ों पर डाउट करता है, सारी चीज़ों को डिस्ट्रस्ट की नज़र से देखता है, स्केप्टिकल होता है, उसको हम बोलते हैं सिनिकल, ठीक है। तो सिनिसिज्म का जो क्लोज जो वर्ड है वो है बिटरनेस, उसके अंदर बिटरनेस का मतलब होता है कड़वाहट, तो ये इसके काफ़ी क्लोज है सिनिसिज्म के। अब बाकी के वर्ड जो है, कन्विक्शन का मतलब होता है कॉन्फिडेंस, ठीक है। कन्विक्शन का क्या मतलब, कन्विक्शन का एक मतलब ये भी होता है कि आपको अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा विश्वास है, कन्विक्शन, कन्विक्शन के साथ आप किसी भी काम को कर रहे हैं। किडेंस होता है क्रेडिबिलिटी अथॉरिटी, ठीक है। इंट्यूशन होता है अंतः प्रेरणा, मतलब आपके 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 आपका दिल जो बोल रहा है उसको हम बोलते हैं इंट्यूशन। तो यहाँ पर इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिनेकल, पिनेकल होता है हाईएस्ट पॉइंट। इसके लिए काफ़ी सारे वर्ड्स हैं हाईएस्ट पॉइंट के लिए, जैसे पीक है, वर्टेक्स है, एक्मे है, हाईएस्ट पॉइंट है, फिनाले है, ठीक है। पिनेकल का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट। नेडियर का मतलब होता है लोएस्ट पॉइंट, इसका मतलब होता है लोएस्ट पॉइंट, और नेदर मोस्ट इसका भी मतलब होता है लोएस्ट पॉइंट। बेसल मतलब बेस से रिलेटेड। तो कल्बिनेशन यहाँ पर इसका आंसर होगा, कल्बिनेशन एक नाउन है और कल्बिनेटेड ये होगा वर्ब। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एंटोनिम्स, यहाँ पर बताना है बीफडल। बीफडल का मतलब कंफ्यूज हो जाना, एकदम आश्चर्यचकित हो जाना या कंफ्यूज हो जाना। कंफ्यूज होने के लिए देखिए, इसमें बैफल, बैफल का मतलब भी कंफ्यूज होता है, डैस का मतलब भी कंफ्यूज होता है, फ्लस्टर का मतलब भी कंफ्यूज होता है। तो ये तीनों वर्ड तो सिनोनिम है बीफडल के। एक्सप्लीकेट का मतलब किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, इलूसिडेट करना, ठीक है। तो एक्सप्लीकेट इसका एंटोनिम होगा बीफडल का। सप्लांट का क्या मतलब है, सप्लांट का मतलब होता है किसी व्यक्ति को रिप्लेस कर देना या सुपरसीड कर देना, उसको हम बोलते हैं सप्लांट, ये एक वर्ब है। और यदि आप किसी को रिप्लेस नहीं करते हैं, सुपरसीड नहीं करते हैं, तो आप क्या करते हैं, सरेंडर। तो सरेंडर होगा इसका एंटोनिम। सुपरसीड यहाँ पर दिया गया है। उसर्प का मतलब होता है सीज कर लेना, किसी को हथियार लेना। आउस्ट का मतलब बाहर निकाल देना किसी व्यक्ति या वस्तु को। नेक्स्ट हम देखते हैं इडियम फ्रेजेस, गेट द मैसेज। गेट द मैसेज का मतलब ये है कि जो चीज़ इम्प्लाइड है, जो चीज़ कही नहीं जा रही है लेकिन कॉन्टेक्स्ट में उसका मीनिंग निकल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं गेट द मैसेज। अंडरस्टैंड व्हाट इज इम्प्लाइड बाय रिमार्क और एक्शन, किसी के रिमार्क से, किसी के एक्शन से एक्चुअली वो कहना क्या चाह रहा है, उसके मीनिंग को समझना, तो उसको हम बोलते हैं गेट द मैसेज। ए इसका आंसर होगा। कीप एट बे, किसी व्यक्ति या वस्तु को दूरी बना के रखना, उससे उससे दूर रहना, ठीक है, ताकि वो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करे। टू कंट्रोल समथिंग एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम कॉजिंग यू प्रॉब्लम्स,
ये इसका सही यहां पर आंसर है, कीप एट बे, दूरी बना के रखना। नेक्स्ट देखते हैं, टॉम प्रिटेंडेड टू नॉट अ थिंग। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की है। एक्चुअली टू प्लस वी वन को हम बोलते हैं इन्फिनेटिव, तो कभी कभी क्या करते हैं हम इसको टू प्लस बी वन को टू नॉट प्लस बी वन भी लिखते हैं। तो इन दोनों के मीनिंग में कोई अंतर नहीं है। यदि यदि मैं बोलता हूँ टू हियर या मैं बोलता हूँ टू नॉट हियर, नॉट टू हियर या टू नॉट हियर, तो इन इन दोनों में केवल इम्फेसिस का डिफरेंस है। टू नॉट हियर यदि आप बोलते हैं तो इसमें आप हियर वर्ड पर थोड़ा सा इम्फेसिस दे रहे हैं नॉट के द्वारा। इसको हम स्प्लिट इन्फिनेटिव भी बोलते हैं, तो ये गलत नहीं है। इन दोनों का मीनिंग एक ही होता है। यदि आप बोलते हैं नॉट टू डू और टू नॉट डू, तो सेकेंड वाला जो है टू नॉट डू वो थोड़ा सा इम्फेटिक है, बस बाकी मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये टू इन्फिनेटिव का ही एग्जाम्पल है। इसमें टू के बाद यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आप प्रयोग करेंगे, तो इसका आंसर होगा हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही मस्ट, मस्ट के बाद हम हैव लगाएंगे, हैज कभी नहीं लगाते हम मस्ट के बाद, ठीक है। मस्ट के बाद हम हैव लगाएंगे और मस्ट हैव के बाद फिर थर्ड फॉर्म आएगी। अब देखिए इसमें, देखिए मस्ट हैव के बाद इसमें थर्ड, इसमें हैव भी है और इसमें थर्ड फॉर्म भी है। इसमें हैज है, ये गलत हो गया। इसमें हैव है लेकिन थर्ड फॉर्म नहीं है, तो ये गलत हो गया। यानी यहां पर आंसर होगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ड्राइविंग प्लेजर फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि दूसरे को दुखी देख के या दूसरे को दुख देखकर खुश होना, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको हम बोलते हैं सैडिस्टिक। सैडिस्टिक उसकी मेंटेलिटी होती है, ठीक है। सैडिस्टिक यहाँ पर सही आंसर होगा। जीनियल होता है फ्रेंडली, टेंडर होता है कोमल या मुलायम या मासूम, प्लेसिड होता है काम या कंपोज, एकदम शांत, उसको हम बोलते हैं प्लेसिड। तो सैडिस्टिक यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, अ पर्सन हाईली स्किल्ड इन म्यूजिक। किसी भी आर्टिस्टिक ट्रेट में या म्यूजिक में कोई व्यक्ति यदि हाईली स्किल्ड है तो उसको हम बोलते हैं वर्चूसो, ठीक है। अमेच्योर, नॉबिस और डेबलर ये होते हैं जो अनप्रोफेशनल व्यक्ति है, जो नौ सीखिया है, जो किसी भी चीज को शुरुआत कर रहा है, उसको हम बोलते हैं अमेच्योर, नॉबिस या डेबलर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पैलेटेबल। पैलेटेबल का मतलब होता है काफी टेस्टी या एपिडाइजिंग या अट्रैक्टिव या प्लेजेंट, इसका मतलब एक्सेप्टेबल या सेटिस्फैक्टरी भी होता है पैलेटेबल, लेकिन इसका जो मेन मीनिंग है वो है स्वादिष्ट होना, किसी चीज का टेस्टी होना। सही स्पेलिंग है इसकी पी ए एल ए टी ए बी एल, इसमें टेबल वर्ड आता है पैलेटेबल में, तो ए इसमें आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड अनर्बिंग। अनर्बिंग का मतलब होता है जो चीज आपके कॉन्फिडेंस को हिला देती है, जो चीज़ आपका कॉन्फिडेंस कम कर देती है, उसको हम बोलते हैं अनर्बिंग। तो इसकी भी सही स्पेलिंग यू एन एन ई आर वी आई एन जी, अनर्बिंग इसके सही स्पेलिंग है, फर्स्ट इसका सही आंसर है। पैराजंबल में आपको देखिए, पैराजंबल में सेंटेंसेज जो उठाए जाते हैं वो कभी कभी टेक्निकल हो सकते हैं, वो किसी रिपोर्ट में से, किसी स्टोरी में से, किसी बीच में से उठाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है उसका मीनिंग आप समझें, आपको केवल लॉजिक को अप्लाई करना है और लॉजिक अप्लाई करके पैराजंबल को विद इन सेकेंड्स आप कर सकते हैं। देखिए, एट लेंथ अबाउट एन आर लेटर वी, यहाँ पर वी है तो वी क्या है? सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? वर्ब आएगी। ये कॉमन सेंस अप्रोच है, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर वर्ब आएगी, तो वर्ब किस में है? वर्ब केवल इसमें है, ठीक है। तो ये सेंटेंस हो जाएगा, एट लेंथ अबाउट एन आर लेटर वी स्पाइड अ लिटिल पाइल ऑफ बोल्डर्स राइजिंग। अब राइजिंग के साथ कौन सा वर्ड जुड़ेगा? राइज आउट एक वर्ड होता है, राइज आउट, राइजिंग आउट, बाहर निकलना, तो सेकेंड यहाँ पर ये जुड़ जाएगा और थर्ड ये जुड़ जाएगा, तो यानी आपका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? एक्स जेड और बाय, ये इसका आंसर होगा, एक्स जेड और बाय, यानी सी इसमें आपका सही आंसर होगा, एक्स जेड और बाय। एट लेंथ अबाउट एन आवर लेटर, एक घंटे बाद, वी स्पाइड अ लिटिल पाइल ऑफ बोल्डर्स, मतलब हमने एक बोल्डर वहाँ पर किया, एक पत्थरों का एक ढेर वहाँ पर इकट्ठा किया, राइजिंग आउट ऑफ द प्लेन, जो कि प्लेन से बाहर निकल रहा था, जो कि प्लेन सरफेस से बाहर निकल रहा था, एंड टू दिस वी ड्रैग्ड आवरसेल्फ, और उस तक हमने अपने आप को खींचा। ये किसी स्टोरी का पार्ट है, बीच में से ये लिया है, तो आपको केवल लॉजिक अप्लाई करना होता है पैराजंबल क्वेश्चंस में। देखिए इसमें भी आप लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं, देखिए इसमें सेकेंडली दिया है, सेकेंडली मतलब यहाँ पर सेकेंड पॉइंट के बारे में कुछ बताया जा रहा है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर मिसिंग है,
यानी किसी बीच में से ये सेंटेंस लिया है. सेकेंडली इट इज़ कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट का मतलब होता है किसी चीज़ का मिक्स या मैच करना किसी चीज़ के साथ. ये कंसिस्टेंट है, यदि ए बी के साथ कंसिस्टेंट है मतलब वो दोनों एक ही यूनिफॉर्म है, एक ही फॉर्म में है वो. तो कंसिस्टेंट के साथ यहाँ पर हम लॉजिकली क्या वर्ड लगा सकते हैं, कंसिस्टेंट के साथ हम विथ लगाते हैं, कंसिस्टेंट विथ. तो ये हो जाएगा फर्स्ट, कंसिस्टेंट विद ह्यूमन एक्सपीरियंस दैट. अब दैट के बाद क्या लगाएंगे, दैट प्लेसेस दैट लैंड शुड राइज ग्रेजुअली. सेकेंडली इट इज कंसिस्टेंट विद ह्यूमन एक्सपीरियंस दैट लैंड शुड राइज ग्रेजुअली इन सम. देखिए यहाँ पर सम के साथ ये प्लेसेस ही जुड़ेगा, यानी ये सेंटेंस सेकेंड होगा और ये सेंटेंस थर्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर दिया है सम और सम के साथ जो वर्ड जुड़ेगा वो जुड़ेगा प्लेसेस. तो आपका कॉम्बिनेशन बनेगा एक्स जेड बाय, एक्स जेड बाय डी, इसमें आपका आंसर होगा. ये है सही तरीका पहले जंबल को करने का. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, द लेबरर्स पेव द इंटायर स्ट्रेच ऑफ द रोड. इंटायर का मतलब होता है पूरा, स्ट्रेच का मतलब होता है कि जो 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 लंबाई है रोड की, एक स्ट्रेच, एक पार्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, तो लेबरर ने पेव्ड किया मतलब वहाँ पर रोड को डाला, रोड को क्रिएट किया, रोड को बनाया. द लेबरर पेव्ड, लेबरर ने बनाया, क्या चीज़ को बनाया, द एंटायर स्ट्रेच ऑफ द रोड. तो इसमें ये है आपका सब्जेक्ट, ये है आपकी वर्ब और ये है आपका ऑब्जेक्ट. तो ये पूरा जो है ये ऑब्जेक्ट है ये. अब आपका जो पैसिव वॉइस बनेगा इस पूरे से बनेगा. ठीक है, अब ये सेंटेंस पेव्ड लिखा है यानी पास्ट टेंस में है, तो इसमें वॉज का प्रयोग होगा और यहाँ से स्टार्टिंग होगी सेंटेंस की. तो यहाँ पर द एंटायर स्ट्रेच ऑफ, इसमें तो इज है तो ये तो आएगा नहीं, इसमें ऑफ है ये भी नहीं आएगा, इसमें वॉज है. द एंटायर स्ट्रेच ऑफ द रोड वॉज पेव्ड बाय द लेबरर, तो ये इसका सही आंसर होगा सी. ठीक है, ये नरेशन का एक क्वेश्चन है, द विजिटर सेड इज योर मदर एट होम. ये एक क्वेश्चन है और इसको हम यस नो क्वेश्चन में रखते हैं. यस नो क्वेश्चन जो होते हैं उसमें हम जो कनेक्टर लगाते हैं वो लगाते हैं इफ़ या वेदर. ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, इसमें इफ़ या वेदर कहाँ पर है, इफ़ वेदर इसमें नहीं है, इफ़ वेदर इसमें भी नहीं, इसमें है. द विजिटर आस्क टू मी वेदर माई मदर वॉज एट होम, इसमें आस्क टू मी नहीं आएगा एक्चुअली, ये इसमें सही है. द विजिटर आस्क मी वेदर माई मदर वॉज एट होम, आस्क टू मी नहीं आता एक्चुअली, आस्क्ड मी सही है. ठीक है, वेदर इसमें आ गया, इसमें वॉज भी आ गया और ये सेंटेंस सही है इसमें. इसमें आपका आंसर होगा डी. ये एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है, बट बिफोर आई कुड बी इंस्पायर्ड बाई दीज अमेजिंग पीपुल आई हैड टू क्लेंस माई फीट. मतलब इससे पहले कि मैं इन अमेजिंग लोगों से इंस्पायर हो पाता मुझे अपने फीड, एक्चुअली इसमें जो सोशल मीडिया पर जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, जैसे जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, उसमें फीड एक होती है जिसमें आपके आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आती है, सारे नोटिफिकेशंस आते हैं. आई हैड टू क्लेंज माई फीड, आई नो माई वीकनेस, जस्ट लास्ट वीक. ये कोई व्यक्ति का डिस्क्रिप्शन है, किसी व्यक्ति की स्टोरी है, उसमें ये बता रहा है, आई नो माई वीकनेस, जस्ट लास्ट वीक फेसबुक मेमोरीज रिमाइंडेड मी ऑफ ए पिज्ज़ा पार्टी. ठीक है, फेसबुक मेमोरी, उसमें एक टैब होता है जिसमें फेसबुक मेमोरीज, आप फेसबुक आपको आपकी मेमोरीज के बारे में बताता है. ठीक है, जस्ट लास्ट वीक, लास्ट वीक क्या हुआ कि फेसबुक मेमोरीज रिमाइंडेड मी ऑफ ए पिज़्ज़ा पार्टी. फेसबुक मेमोरी में एक पिक्चर आई जिसने मुझे पिज़्ज़ा पार्टी के बारे में बताया कि पिज़्ज़ा पार्टी हमने की थी, पिज़्ज़ा पार्टी आई हैड 2 ईयर्स अगो, जो इस राइटर ने 2 साल पहले की थी. एंड आई एंडेड अप ऑर्डरिंग ए चिकन डोमिनेटर, मतलब पिज़्ज़ा पार्टी की उसको याद आई और उसने फिर ऑर्डर किया चिकन डोमिनेटर विद गार्लिक ब्रेड स्टिक एंड देन जालापीनो चीज डिप. सो मच फॉर डे वन ऑफ काउच टू 5K ट्रेनिंग, ये किसी ट्रेनिंग का किसी कोर्स का नाम है. आई स्टेड राइट ऑन दैट काउच, सो फॉर आई हैव अनफॉलोड बज फीड टेस्टी टेस्ट मेड इवन देयर एडोरेबल टाइनी किचन. यहाँ पर किसी डिश की एक्चुअली बात हो रही है, इसको ऑथर ने अनसब्सक्राइब कर दिया है. एंड सेवरल पीपल हु हैव द इनवाइबल एडवांटेज ऑफ बीइंग एबल टू ईट एज मच एज दे वांट एंड नॉट पुट ऑन वेट
काफ़ी सारे लोगों के साथ ये एडवांटेज होता है कि वो जो चाहें वो खा सकते हैं, उसके बाद भी उनका वेट नहीं बढ़ता है, ठीक है। बट माई कैलकुलेशंस, डार्क चॉकलेट इज़ हेल्दी, सो आई एम स्टिल फॉलोइंग अर्थ लोफ। अर्थ लोफ ये चॉकलेट से रिलेटेड है, ये कोई पेज वगैरह हो सकता है इसको जो ऑथर है वो फॉलो कर रहा है, ठीक है। पस्काती एंड मैसमन एंड कंपनी, इन इनको सबको फॉलो वो कर रहा है ऑथर। व्हेन आई फाइनली फाउंड अ जिम आई लाइक विद द बेस्ट ट्रेनर्स आई हैव हैड, आई अनअबेसिडली शेयर्ड माई वर्कआउट्स एवरी डे। वो फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर अपने जो वर्कआउट है वो शेयर करता है। फ्रॉम शाइंग अवे फ्रॉम फुल लेंथ पिक्चर्स आई रीच्ड अ पॉइंट वेयर आई कुड शेयर वीडियोज ऑफ माई सेल्फ डेड लिफ्टिंग एंड डूइंग बैक स्क्वैट्स। ये एक्सरसाइज के नाम हैं अलग अलग, डेड लिफ्टिंग, बैक स्क्वैट्स एंड बारबेल अक्रॉस माई शोल्डर, इट गेव मी अकाउंटेबिलिटी। अच्छा, इसने उस वो अपने वीडियो जो है सोशल मीडिया पर शेयर करता है, और इससे उनको, उसको जो ऑथर है उसको एक अकाउंटेबिलिटी मिलती है, एक जिम्मेदारी की भावना उसमें आती है। आई चैलेंज माई सेल्फ टू गो टू द जिम फॉर 30 क्लासेज स्ट्रेट। मतलब ऑथर ने अपने आप को चैलेंज किया, वो 30 क्लासेज जो है वो जिम की रेगुलरली अटेंड करेगा। एंड आई डिड इट, और उन्होंने ऐसा किया, विच रिमाइंड्स मी इट इज़ टाइम टू स्टार्ट अ न्यू चैलेंज। ये किसी स्टोरी का पार्ट है, बीच में से ये लिया है। पोस्ट रिलेटेड टू विच टॉपिक डज द राइटर वॉन्ट टू रिमूव फ्रॉम हर फीड। फूड से रिलेटेड वो फीड है, फूड से रिलेटेड वो टॉपिक है, उसको वो अनसब्सक्राइब करना चाहता है। ये है फूड। वॉट हैज़ द राइटर सक्सीडेड इन डूइंग, राइटर को किस काम में सफलता मिल गई है। तो यहाँ पर राइटर ने अपने आप को किस चीज के लिए चैलेंज किया था, अटेंडेड 30 जिम क्लासेस विदाउट अ ब्रेक, और उन्होंने ऐसा किया था। तो ये सी यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेज रिलेटेड टू चॉकलेट, चॉकलेट से रिलेटेड पेज कौन सा है, वो है अर्थ लोफ। वॉट वेट लॉस प्रोग्राम हैज द राइटर इनरोल्ड इन, वेट लॉस प्रोग्राम जो है किस प्रोग्राम में इनरोल किया है राइटर ने, उस प्रोग्राम का नाम है काउच 2 5K। काउच होता है एक सोफा जिसपे कोई व्यक्ति बैठता है, तो इसका मतलब ये निकल सकता है कि आपका जो वेट है वो काउच की तरह हो गया है, और उसमें आप 5 किलो तक कम कर सकते हैं, ऐसा कुछ मीनिंग इसका निकल रहा है, काउच 2 5K। तो बी इसमें आपका सही आंसर होगा। यहां पर देखते हैं, व्हाट गेव द राइटर अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी किस चीज़ से दी, क्योंकि वो अपने जो जिम के जो पिक्चर्स हैं वो शेयर करते हैं कहाँ पर, सोशल मीडिया पर, शेयरिंग हर वर्कआउट वीडियोस ऑन सोशल मीडिया, इस चीज़ से उन्होंने उनको एक अकाउंटेबिलिटी मिली है। ये इसमें फर्स्ट आंसर आपका होगा। तो इस तरीके से मैंने ये 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ये सेट 35 था SSC CGL 2017 प्री का, और सेम इसी तरीके के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं नेक्स्ट फोर्थकमिंग एग्जाम्स में। कोई भी फीडबैक आप देना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर आप दे सकते हैं। इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।